भगवान की प्राप्ति कलयुग में होती है। और भगवान कैसे देखा जाता, जैसे आपको हम देख रहे हैं, आप हमको देख रहे, लेकिन ये चर्म आंखों से नहीं, ये शरीर की इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। उसके लिए दिमाग चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, तीसरा नेत्र शिव नेत्र चाहिए आपको, आपके पास। और वो अगर कहीं शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि मनुष्य मंदिर में खुल जाए तो परमात्मा को आप ऐसे देख सकते हो जैसे हम आपको देखते हैं। आप हम आपसे आपसे बात करते हैं, ऐसे उससे बात होती, लेकिन वो इस पंचभौतिक शरीर में नहीं है, वो इससे अलग है। लेकिन आपको इस शरीर से अलग होकर उसके पास पहुंचना होगा, तब दर्शन होगा, तब उसका दीदार होगा, ऐसे नहीं। तो मैं अमोलक चीज आपको देता हूं, इस जो दूंगा इसको कहते हैं आत्माओं के धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। ये आप चाहे चारों तरफ घूमोगे आपको मिलेगा नहीं, और घर बैठे मिल रहा तो कहते हैं कि आप दरवाजे पर गंगा आ जाए तो खूब चक्कर के नहाओ। जब घर बैठे तुमको मतलब यह है कि ये आत्मिक जो संपत्ति ये भगवान की और खुदाई खजाना रूहों का मिले तो खूब अच्छी तरह से दिल बोर कर उसमें स्नान करो, तो कलमल के ये सब क्लेश कलमल की गंदगी ये सब धुल जाए और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा शुद्ध साफ निर्मल पवित्र हो जाए और निर्मल जन सो मोह पावे, मोह छिल छिद्र कपट नहीं भावे, मुझको कपटी और धोखेबाज दगेबाज और पापी नहीं पा सकता, निर्बल पा सकता किसमें, कलयुग में। सतयुग की बात और त्रेता द्वापर की नहीं, कलयुग की बात। और कलयुग में बहुत लोगों ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया, तो अमोलक चीज लीजिए आप।